जालंधर से आप कंटेस्ट, अगर पार्टी इसका मौका देगी तो मैं जरूर करूंगा। पर हमें अफसोस इस बात का है कि हम वहाँ पे जलंधर के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। सड़कें टूटी है, कूड़ा बिखरा पड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता के कहने पे भी कूड़े के ढेर नहीं हट सकते, तो आप ये सोच सकते हैं कि नगर निगम का और दूसरे वहाँ पे जो उधारे हैं उनका क्या हाल है। देखिए, मैं तो शुरू से ही डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हूँ। अगर मैं नगर निगम में रहा तब भी मेरा पूरा ध्यान डेवलपमेंट में था। अगर मैं विधायक बना तब भी मैंने डेवलपमेंट में पूरा ध्यान रखा। मैंने स्कूल, कॉलेजेस, रोड, सीवरेज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए। और आज भी मेरा जलंधर को लेके ही ये डेवलपमेंट का ही सारा सवाल है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि जलंधर के लोगों ने बड़े मान से हमें उपचुनाव में अच्छी जीत दिलाई। पर हमें अफसोस इस बात का है कि हम वहाँ पे जलंधर के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। सड़कें टूटी है, कूड़ा बिखरा पड़ा है, कूड़े के ढेर वैसे लगे हैं। अगर पार्टी के राष्ट्रीय नेता के कहने पे भी कूड़े के ढेर नहीं हट सकते, तो आप ये सोच सकते हैं कि नगर निगम का और दूसरे वहाँ पे जो उधारे हैं उनका क्या हाल है। अगर पार्टी इसका मौका देगी तो मैं जरूर करूँगा। पर हमें अफसोस इस बात का है कि हम वहाँ पे जलंधर के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। सड़कें टूटी है, कूड़ा बिखरा पड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता के कहने पे भी कूड़े के ढेर नहीं हट सकते, तो आप ये सोच सकते हैं कि नगर निगम का और दूसरे वहाँ पे जो उधारे हैं उनका क्या हाल है। देखिए, मैं तो शुरू से ही डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हूँ। अगर मैं नगर निगम में रहा तब भी मेरा पूरा ध्यान डेवलपमेंट में था। अगर मैं विधायक बना तब भी मैंने डेवलपमेंट में पूरा ध्यान रखा। मैंने स्कूल, कॉलेजेस, रोड, सीवरेज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए। और आज भी मेरा जलंधर को लेके ही ये डेवलपमेंट का ही सारा सवाल है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि जलंधर के लोगों ने बड़े मान से हमें उपचुनाव में अच्छी जीत दिलाई। पर हमें अफसोस इस बात का है कि हम वहाँ पे जलंधर के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। सड़कें टूटी है, कूड़ा बिखरा पड़ा है, कूड़े के ढेर वैसे लगे हैं। अगर पार्टी के राष्ट्रीय नेता के कहने पे भी कूड़े के ढेर नहीं हट सकते, तो आप ये सोच सकते हैं कि नगर निगम का और दूसरे वहाँ पे जो उधारे हैं उनका क्या हाल है। अगर पार्टी इसका मौका देगी तो मैं जरूर करूँगा।